वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। और यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन एट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक बच्चे को किस प्रकार यहाँ पे दुआ मांग रहा है खुदा से। और वैसे भी इंसान को दुआ में क्या मांगना चाहिए? इंसान को ये नहीं मांगना चाहिए कि भगवान जी या फिर ए खुदा हमको दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दे दे, ठीक है? तो और लोग क्या झक मारने के लिए बैठे हैं? और गॉड अगर सबको खुश रखता, ठीक है, तो इससे दुनिया नहीं चलता है। जिस हिसाब से गॉड ने बनाया है वैसे ही चलने देना चाहिए। बस खुदा से एक ही चीज मांगो कि जिंदगी में हम किसी बुरे काम में नहीं फंसे और नहीं कोई बुरा काम करें। यहाँ पे देखेंगे एक बच्चा दुआ कर रहा है। बच्चे की दुआ ये लेसन का ही नाम है, जिसको मोहम्मद इकबाल लिखे हैं। इस लेसन का नाम आप याद कैसे रखेगा? यानी कि बाल लास्ट में है, इकबाल में यानी बाल है। बाल मतलब होता है बालक, और बालक का मतलब होता है छोटा सा बच्चा, ठीक है? तो छोटा सा बच्चा यानी बच्चे की दुआ, बच्चा इसमें भी है और बाल यानी बच्चा इसमें भी है, ठीक है? तो याद रखिएगा, बच्चे की दुआ किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। यहाँ पे दिखाया गया है कि जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी काफी लोग मुसीबत में है, ठीक है, उस मुसीबत से लोगों को छुटकारा दिलाना, ठीक है, एक इंसान का धर्म होता है, ठीक है। और हम लोग भगवान से यही दुआ करें। देखिएगा यहाँ पे क्या बच्चा दुआ कर रहा है, बच्चे की जुबा पर क्या आ रहा है, नहीं लब पे क्या आ रहा है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मतलब अंदर से जो तमन्ना है, मन की इच्छा है, वो मुंह पे आ जा रहा है, जुबा पे आ जा रहा है। और खुदा से देखिए क्या दुआ मांगा जा रहा है, ठीक है। जिंदगी सम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी ना सम्मा के समान हो, खुदा से बोला जा रहा है, हे खुदा, खुदाया का मतलब हे खुदा, ठीक है, मेरी जिंदगी उस सम्मा की तरह बनाना, यानी उस दिए की तरह बनाना जो सबको रोशनी देता है, सबकी मदद करता है, सबको रास्ता दिखाता है। ऐसे ही मेरी जिंदगी को बना, ताकि हम भी उस काबिल बने कि लोगों को मतलब गरीबों की मदद करें और लोगों को राह दिखाएं, अच्छे राह पर चलने को सिखाएं, ठीक है। यही इनके जुबा से यानी कि लब पे एक बात आता है, अंदर तमन्ना मन का बात बोला जा रहा है, यह एक प्रार्थना है। और यह खुदा से यही एक प्रार्थना किया जा रहा है, दुआ किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यानी दम का मतलब समझिएगा यहां जीवन, यानी कि दूर दुनिया का मेरे जीवन से अंधेरा हो जाए, यानी कि अंधेरा का मतलब होता है अज्ञान, समझिएगा, यानी कि यहाँ पे जो अज्ञानता है, ठीक है, मेरे जिंदगी से, यानी कि हमारे जिंदगी ऐसे बना कि उस अंधेरे को दूर कर दे, पूरे दुनिया के जितने भी अंधेरा है, अज्ञानता है, उसको दूर कर दे हमारी जिंदगी में, ऐसा हमको मतलब सीख दे, ठीक है। देखिए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, और दुनिया में हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी कि हमको ऐसा बना, ठीक है, ताकि हम जहां भी जाएं वहां उजाला फैला दें, वहां खुशियां भर दें, ठीक है, लोगों को समझा करके नेकी के राह पर चलने को सिखाए, ताकि हमारे जाते ही उस जिस जगह जाए उस जगह उजाला छा जाए, खुशियां आ जाए, ठीक है, हमें इस राह पर चलना सिखा। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिन्नत यहाँ पे समझिएगा, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, बोला जा रहा है कि दम का मतलब जिंदगी से, ध्यान रखिएगा, यानी कि मेरी जिंदगी से मेरे वतन की शोभा बढ़ जाए। हमारा जिंदगी देखिए, हर एक इंसान का जिंदगी एक मकसद के लिए होता है, ठीक है, खुदा ने एक मकसद के लिए ही आपको भेजा है। बस कोई इंसान उस मकसद को पहचान जाता है, उस कामयाबी को पा लेता है। तो आपकी भी जिंदगी जो है वो किसी न किसी मकसद के लिए बना है, तो उस मकसद को आप ढूंढिए, ठीक है। अगर यूं ही आपको खुदा ने तकलीफ दे रहा है, तो इसका मतलब समझिएगा कि आज वो तकलीफ दे रहा है, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा देने वाला है, इसीलिए कुछ चीजों को छीन लेता है, ठीक है। यहां वही कहा जा रहा है कि वतन की शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या कर रहा है, आपके जिंदगी को दिया है इस वतन, जिस तरह से यहाँ पे, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत, जिस तरह चमन का मतलब होता है बगीचा, जिस तरह बगीचे में फूल होता है, तो फूल के आने से क्या होता है, बगीचे की क्या होती है, शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही आप अपने जिंदगी में, अगर अपने मुल्क में है, देश में है, तो आपके वजह से आपका देश का नाम रोशन होना चाहिए और उस देश की शोभा बढ़नी चाहिए आपके वजह से, यही यहाँ पे लेखक बोले हैं। तो फिर अगले लेयर में देखते हैं। तो इस लाइन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कभी भी हमें खुदा से, भगवान से, गॉड से हमेशा नेकी के राह पर चलने की दुआ मांगना चाहिए। हमें खुदा से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस खुदा से बस ये मांगना चाहिए कि हे खुदा, हमें
इस कदर इस दुनिया में ले चल, ठीक है, कि कितना भी बुरा कंडीशन आ जाए हम कभी कोई गलती नहीं करें, कितना भी तकलीफ हो जाए, ठीक है, हम दुख झेल लेंगे लेकिन कभी बुरा काम नहीं करेंगे, ऐसी ताकत मेरे अंदर भर दे, ठीक है। कभी भी हमें गॉड से यही मांगना चाहिए, ठीक है। यहां देखिए एक बच्चा किस तरह दुआ में क्या मांगता है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब यानी या खुदा, ठीक है, हमारी जिंदगी को, ठीक है, परवाने की सूरत में बना दे, यानी कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, उस परवाने की तरह बना दे। देखिएगा परवाने का मतलब, जब लाइट जलता है तो चारों तरफ जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो घूमने लगते हैं, ठीक है, और लगता है कि उस लाइट को मतलब पाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है, और उस पाने के चक्कर में हम लोग सुबह जब उठ के देखते हैं तो कीड़े मतलब नीचे गिरे पड़े तो मतलब मर जाते हैं। वैसे ही ये भी है, कह रहे कि उसी परवाने की तरह हमारे जिंदगी को उसी सूरत में ढाल दो, और हम किसके पीछे पड़े, यानी हमें तो मोहब्बत हो लेकिन इल्म के शम्मा, शम्मा का मतलब दीपक समझिएगा, यानी कि ज्ञान के दीपक जो होता है हमें उससे मोहब्बत हो, हम उसके पीछे ज्ञान के पीछे पागल हो जाए, ज्ञान के पीछे हमारे, हमें ऐसे अंदर, हमारे अंदर ऐसी मतलब क्या करे ऊर्जा उत्पन्न कर, ये खुदा से बोला जा रहा है, यानी कि इल्म की शम्मा से हम मुझको मोहब्बत या रब, ऐसा कर खुदा, ठीक है, कि हमें सिर्फ ज्ञान की उस दीपक से मोहब्बत हो, ठीक है। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मतलब खुदा से ये लड़का बोल रहा है कि हमें इस काबिल बना, ठीक है, कि मेरा काम हो गरीबों की सिर्फ हिफाजत करना, उसकी मदद करना, हमारे अंदर ऐसा गुण होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसे गुण पैदा कर एक खुदा, ठीक है, कि हम सिर्फ गरीबों के प्रॉब्लम को समझें, ठीक है, उसकी हिमायत करें। यहां देखिए दर्दमंदों से जाइफों से मोहब्बत करना, यानी कि जो भी क्या है दर्दमंद लोग हैं, जिनके अंदर भी दर्द भरा है, जो भी परेशानी में पड़े हैं, ठीक है, मुसीबत में पड़े हैं, उनसे हमको मोहब्बत हो, ठीक है, उनसे लगाओ, उनसे हम मिल करके उनके परेशानियों को दूर करें। खुदा हमको इस काबिल तो बना, हमें दुनिया में तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें बस नेकी के राह पर चलना सिखा, हमें सच्चाई और अच्छाई के नक्शों कदम पर चलने को सिखा। ये खुदा से यही बच्चा दुआ कर रहा है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। यहां पे बोल रहे हैं कि ए खुदा, तू जितनी भी बुराइयां है, ठीक है, उस सब से हमको बचाना, कभी भी ऐसा कंडीशन मत लाने देना कि हम कोई बुरा काम करें, इस सब को से हमको बचाना, यानी कि ऐ मेरे अल्लाह तू क्या करना, बुराइयों से बचाना। नेक जो राह हो उस राह पे चलना मुझको, यानी कि जो भी नेकी का रास्ता हो, सत्य का रास्ता हो, सच्चाई का रास्ता हो, उसी पर चलना है मुझको, ठीक है, हमें उसी पर चलना सिखाना, हमें कभी भी नेकी को छोड़ करके बदी, बदी का मतलब होता है बुराई, बुराई के राह पर चलने की सीख मत देना। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन समझ में आया होगा, और ये बहुत ही मजेदार लेसन है। हमें भी अपने जिंदगी में खुदा से एक ही चीज मांगना चाहिए, ठीक है, कि ऐ खुदा जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, दुख तकलीफ दर्द, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है, ये सब हमारे छाया की तरह है जो हमें हमेशा पीछा करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें जूझ करके हमें बुराई का राह नहीं पकड़ना है। खुदा से यही दुआ करना है कि हमें बस इतनी ताकत दे कि उस बुराई का सामना हम हंसते हंसते कर दे। और याद रखिएगा कि जिस दिन आप सबसे ज्यादा मुसीबत में चेहरे पर मुस्कान रहेगी, दुनिया की कोई भी बुराई आपको झुका नहीं सकती है। तो अब फिर मिलेंगे अगले लेसन में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।